बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस खैर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान ख़ान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर, उसको नहीं करना। और वह जलसा हमने 8 सितम्बर को, जिसका कि हमें बाकायदा तौर पर आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार बार रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। मैं यहाँ पे तमाम इदारों को और अदालतों को और इस हुकूमत को ये पैगाम देता हूँ कि इमरान ख़ान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, एक पुरमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। आप लोग भी अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। इस मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक़, उसके ऊपर अमल दरामद करना आप पर इस आइन के मुताबिक फ़र्ज है। और आज देखें कि इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक लीडर है, और वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस आवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म जो भी होगा हमने मानना है, और उनके हुक्म के मुताबिक जलसा जब भी वो कहेंगे, उन्होंने 8 तारीख का कहा है, इंशाल्लाह होगा, भरपूर तरीके से होगा। लेकिन चूँकि आप हमारे लीडर ने हुक्म दे दिया है, तो इसलिए आज का जलसा हम मनसूख करते हैं। इंशाल्लाह इससे बढ़ कर अपनी तहरीक में, हकीकी आज़ादी की तहरीक में, इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक जारी रहेगी। और इंशाल्लाह मिल के हमने इंशाल्लाह साबित करना है कि हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाल्लाह ये साबित करके इंशाल्लाह हम इस दुनिया को, कौम को बताएंगे कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान की बात करता है, अपनी आवाम की बात करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस खैर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान ख़ान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर, उसको नहीं करना। और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार बार रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितम्बर को इस्लामाबाद में करना है। मैं यहाँ पर तमाम इदारों को और अदालतों को और इस हुकूमत को ये पैगाम देता हूँ कि इमरान ख़ान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, एक पुरमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। आप लोग भी अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। इस मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक़, उसके ऊपर अमल दरामद करना आप पर इस आइन के मुताबिक फ़र्ज है। और आज देखें कि इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक लीडर है, और वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस आवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, क्योंकि इमरान ख़ान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म जो भी होगा हमने मानना है, और उनके हुक्म के मुताबिक जलसा जब भी वो कहेंगे, उन्होंने 8 तारीख का कहा है, इंशाल्लाह होगा, भरपूर तरीके से होगा। लेकिन जो कि आप हमारे लीडर ने हुक्म दे दिया है, तो इसलिए आज का जलसा हम मनसूख करते हैं। इंशाल्लाह इससे बढ़कर अपनी तहरीक में, हकीकी आज़ादी की तहरीक में, इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक जारी रहेगी। और इंशाल्लाह मिल के हमने इंशाल्लाह साबित करना है कि हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाल्लाह ये साबित करके इंशाल्लाह हम इस दुनिया को, कौम को बताएँगे कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान की बात करता है, अपनी आवाम की बात करता है।